हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है फेसियोला हिपैटिका आज भी हम फेसियोला हिपैटिका के बारे में पढ़ेंगे इसके पैथोजेनेसिस ट्रीटमेंट एंड प्रोफाइल के बारे में इसके पिछले क्लास में हमने फेसियोला हिपैटिका के बारे में जाना था कि ये एक फ्लैट वॉर्म है जो कि फेसियोलियासिस नाम की डिजीज़ कॉज करता है शिप में और ये शिप के लिवर को डैमेज करता है इसीलिए इसे लिवर रॉड डिजीज़ भी कहते हैं तो पिछले क्लास में हमने इसका लाइफ साइकिल देखा था तो जिन्होंने भी लाइफ साइकिल की क्लास नहीं देखी है वो जा कर के लाइफ साइकिल वाली वीडियो भी देख सकते हैं मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी तो चलिए शुरू करते आज का टॉपिक पैथोजेनेसिस एंड कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट ऑफ फिसोला हिपैटिका पैथोजेिस और सिम्टम्स इन्फेक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट होस्ट दैट इज स्नेल रिजल्ट इन अ पार्शियल और कम्प्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ द अफेक्टेड साइड इन केस ऑफ हैवी इन्फेक्शन स्नेल कंसिडरेबली इंक्रीजेज इन साइज तो देखिए सबसे पहले ये मैं स्नेल के बारे में बता रही हूँ कि स्नेल के बॉडी में बहुत सारे लार्बल स्टेजेस पास होते हैं जो कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि मेरासीडियम लार्वा जब इस नेल की बॉडी में एंट्री करता है उसके बाद वो बहुत सारे लार्वल स्टेज पास आउट करता है और जिसके कारण इसकी बॉडी पे बहुत सारा नुकसान पहुंचता है या तो पार्शियली या तो कम्प्लीटली इसकी बॉडी जो होती है जहाँ जहाँ पे ये अटैक करते हैं वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है और बहुत ज़्यादा हैवी इन्फेक्शन होने के कारण स्नेल का साइज़ भी बढ़ सकता है ऑब्वियसली साइज कैन इंक्रीज बिकॉज जब उसकी बॉडी में इतने सारे अमाउंट में लार्वा भर जाएंगे तो उसकी बॉडी बड़ी हो जाएगी इन्फेक्शन ऑफ वर्टिब्रेट होस्ट इसका जो प्राइमरी होस्ट है दैट इज शिप जहाँ पे अडल्ट फ्लूक्स रहते हैं एंड ये इसके डक्ट और लिवर में रहते हैं ऑलवेज एंड ये लिवर को और बाइल डक्ट को डैमेज करते हैं ये लिवर में एप्सिस का फॉर्मेशन करते हैं एंड यंग फ्लोक्स फीट ऑन लिवर सेल्स और जो सेल्स होते हैं लिवर के वो उसको खाते भी है फैसियोलिया डिजीज कैन बी डिवाइडेड इन टू डिफरेंट फेजेस तो देखिए फेसियोलियास अगर हम शिप में देखें तो इसे हम तीन तरह के फेज में बांट सकते हैं एक्यूट सब एक्यूट और क्रॉनिक फेसियोलिया तो देखिए सबसे पहले एक्यूट फेसियोलियासिस एक्यूट फेसियोलिया अकर्ज बाई शॉर्ट टर्म इंटेक ऑफ मेटासर्केरी इट मीन्स कि अगर कोई शिप उसमें बहुत कम अमाउंट में मेटासर्केरी लार्वा एंट्री किया है तो वो उतना ज़्यादा अभी बीमारी अभी उतनी टफ नहीं हुई है सो एनिमल्स सफरिंग फ्रॉम एक्यूट फेसिलियासिस में डिस्प्ले नो क्लिनिकल साइंस इवन वो सिम्टम्स भी नहीं शो करते हैं एंड सम में डिस्प्ले एबडोमिनल पेन डिस्कम्फर्ट एंड जॉन्डिस और ये सारे जो सिम्टम्स है ये सब एक्यूट फेसिलियासिस फेज में देखने को मिल सकते हैं देन सब एक्यूट फैस्योलियासिस सब एक्यूट फेस्योलियासिस इज करेक्टराइज बाई एनीमिया फ्राम ब्लड लॉस ड्यू टू हैमरेज इन लीवर कॉज्ड बाई यंग फ्लूस देखिए जो सब एक्यूट फेस्योलियाज है इसमें क्या होगा ब्लड लॉस के कारण एनीमिया हो जाता है जैसे कि हमने प्लाजमोडियम में भी देखा था क्योंकि वो कंटिन्यूसली ब्लड सेल्स को नुकसान पहुँचा रहे थे तो यहाँ पर भी ये लिवर में बहुत सारे जख्म बनाते वोंड बनाते जिससे हेमरेज हो जाता है और ब्लड लॉस होने के कारण एनीमिया हो जाता है इस इसी कारण इसे लिवर रॉट भी कहते हैं क्योंकि ये लिवर में बहुत सारा डैमेज कर रहे हैं देन थ्रिफ्ट यानी कि जो भी शिप में ये बीमारी हो जाएगी उसका जो ग्रोथ होगा वो बहुत ही स्लो हो जाएगा इवन लिवर फेलियर भी हो सकता है जिसके कारण मौत भी हो सकती है इन बाइल डक्ट इट कॉजिज इन्फ्लामेशन एंड हेपेटाइटिस लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ गॉल स्टोन्स देखिए बाइल डक्ट में ये इन्फ्लामेशन यानी कि बाइल डक्ट का जो वॉल होगा वो काफ़ी थिक हो जाएगा ठीक है सूजन के कारण एंड दैट्स वाई ये जो वॉल है वो ब्लॉक होने लगेंगे और इसके कारण स्टोन्स भी बन सकते हैं गॉल में सो गॉल स्टोन्स भी फॉर्मेशन हो जाता है ना क्रॉनिक फेसियोलियासिस क्रॉनिक बहुत ही डेंजर हो जाता है इट इज़ द मोस्ट कॉमन क्लिनिकल सिंड्रोम असोसिएटेड विथ लिवर फ्लू इन्फेक्शन इन सिप एंड कैटल जब क्रॉनिक फेसियोलियासिस होगी तो सिम्टम्स तो बहुत सारे आएंगे और तब पता चल जाएगा कि हाँ इसको फेसियोलियासिस की ही बीमारी है लाइक लिवर रॉट में क्या होता है हमने देखा कि लिवर टिश्यूज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बाइल डक्ट जो होता है वो भी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है वो भी ब्लॉक हो जाता है एंड हेपेटिक फाइब्रोसिस इट मीन्स की जो लिवर है उसमें स्कैरिंग हो जा होने लगती है इट मीन्स की दाग दिखना शुरू हो जाता है क्योंकि लिवर जो है कंटिन्यूसली उसमें वो जख्म बना रहे वोड बना रहे हैं जिसके बाद वो उसको हील करने के लिए फिर बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यूज़ बिल्डअप हो रहा है इसके कारण बहुत सारा दाग दिखना शुरू हो जाता है ठीक है स्कैर्स दिखना शुरू होते लिवर में लॉस ऑफ एपिटाइट भूख नहीं लगेगी फीवर हो जाएगा एंड इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी एक्टिविटी सांस जो है वो काफ़ी जोर जोर की लेंगे एंड देन वुल फॉल्स ऑफ शिप की बीमारी है तो भेड़ों में जो ऊन बनता है वो भी फॉल होना शुरू हो जाएगा उनका जो भी हेयर्स है लार्ज इडिमाज ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है इट मीन्स जो उनका जॉ है जो उनका जबड़ा है वो काफ़ी फूल जाएगा इसे बॉटल जॉ भी कहते हैं एंड डेथ मे बी सोन ड्यू टू सेरेब्रल एपोप्लेक्सी इवन इसका डेथ हो जाएगा बिकॉज जो ब्रेन है उसमें भी ब्लड सप्लाई जाना बंद हो जाएगा सो ड्यू टू सेरेब्रल एपोप्लेक्सी बहुत ही जल्दी इनकी डेथ हो जाएगी क्रॉनिक फिस्योलियाज प्रोवाइड राइट इन्वायरमेंट फॉर जर्मिनेशन ऑफ बैक्टीरियल स्पोर्स देखिए यहाँ पे मैंने एक और एक्स्ट्रा पॉइंट करवाया है कि अगर बहुत ही भयंकर फैसियोलियासिस डिज़ीज़ हो जाए तो लीवर तो काफ़ी डैमेज हो जाता है तो इसके कारण लीवर में बहुत सारे बैक्टीरिया जो है बैक्टीरिया के स्पोर्स भी डेवलप कर जाते हैं सबसे जो ज़्यादा बैक्टीरिया है वो है क्लोस्ट्रेडियम नोवी ये वाला जो बैक्टीरिया है ये काफ़ी जल्दी टाइप बी बहुत ही जल्दी ग्रो कर जाता है लिवर में जिसके कारण ब्लैक डिजीज़ हो जाता है तो इसीलिए जब भी फिसियोलियासिस होते हैं शिप को तो उन्हें ये वैक्सीन दिया जाता है क्लास्ट्रीडियम के लिए ताकि ये वाली जो डिजीज़ है वो ना पन पे नाउ ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट के लिए क्या कर सकते हैं सो ड्रग्स बहुत सारी दवाइयाँ हैं लाइक बिथियोनॉल ट्राइक्लाबेंडाजॉल ये एक एंटी हेलमेंथिक एजेंट है क्योंकि ये वाम्स है ना सो so वाम्स को हटाने के लिए ट्राइक्लेबेंडाजल बहुत ही बेस्ट होता है ये यूज़ की जाती है वेटरनरी मेडिसिन में इवन ह्यूमन बींग्स को भी ये एंटी हेलमेंथिक एजेंट के रूप में दिए जाता है और अदर दवाइयाँ लाइक नईटाजो एक्सिनाइट कंपाउंड अल्फा एंड ट्राइक्लेबेंडाजोल आर द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग्स फॉर वी नो दैट इट इज़ मोस्ट एनी एंटी हेलमेंथिकोफाइलैक्सिस और कंट्रोल आप बचाव करने के लिए क्या कर सकते हैं सो इट इज़ बेटर टू प्रिवेंट इन्फेक्शन बाई कंट्रोल ऑफ द इंटरमीडिएट होस्ट सो प्रिंशन इज द बेस्टर तो प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले जो स्नेल का पॉपुलेशन है उसको हटाना पड़ेगा जो कि इस बीमारी को कैरी कर रहा है सो so, इसके लिए हम क्या क्या कर सकते चलिए देखते हैं किलिंग हैविली इन्फेक्टेड शिप अगर कोई शिप है जिसमें बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन हो चुका है बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो गया है तो उसे ख़त्म कर देना ही बेस्ट ऑप्शन है अदरवाइज़ वो दूसरे शिप को भी ये बीमारी फैला सकता है एंड डिस्ट्राइंग एगेन मैन्योर ऑफ इन्फेक्टेड शिप जो इन्फेक्टेड शिप है उसके जो फीसीज है उसमें तो बहुत सारे एग और कैप्सूल्स होंगे तो इसीलिए लिए ये सबको जो है साफ़ सफाई करना फीडिंग इन्फेक्टेड शिप विथ सॉल्ट एंड लिटिल ड्राई फूड जो शिप को इन्फेक्शन हो गया उसे थोड़ा सॉल्ट वाला और ड्राई फूड सूखा खाना क्योंकि जो घास अगर हम देंगे जो कि वेट फूड होगा उसमें मे भी स्नेल्स गए हों और वहाँ पर मेटासरकेरी में भी मिले तो इसलिए ड्राई फूड देना चाहिए स्नेल पॉपुलेशन को हम कैसे मार सकते हैं कॉपर सल्फेट को अगर हम इस सॉल्यूशन को पॉन्ड में अगर दे दें तो वो स्नेल को ख़त्म कर सकता है ड्रेनिंग दी पेस्टर्स पैस्चर्स एज दे आर अनेबल टू सर्वाइव इन ड्राई प्लेस फॉर लॉन्ग पीरियड तो स्नेल्स को ख़त्म करने के लिए हम पैस्चर्स को हटा सकते साफ़ सफ़ाई कर सकते जो भी उनका घास चारा है उसे हटा दें डग फीड ऑन स्नेल्स एंड कैन बी एम्प्लॉयड डग जो होती हैं वो स्नेल को खा जाती हैं तो डगस को हम लोग पाल सकते हैं रिमूविंग वेजिटेशन फ्रॉम पॉन्ड पॉन्ड के आसपास का जो भी एक्वाटिक प्लांट्स है जहाँ पे मेटासर के आ सकता है वहाँ पे हम लोग ये हटा सकते हैं ताकि वो भी ना आए और स्नेल का जो ब्रीडिंग है वो भी रुक जाए मैन कैन अवॉइड इन्फेक्शन बाई कंज्यूमिंग थर्ली वॉस्ड एंड एटिक्यूटली क्विक वेजिटेबल्स और जो ह्यूमन बींग्स हैं ह्यूमन बींग्स में भी ये फैसोला डिजीज़ हो जाता है तो अगर मैन को बचना है तो ये क्या कर सकते हैं हम अपना जो भी साग सब्जी है उसे काफ़ी अच्छे से धो कर के और बढ़िया से पका करके खाए तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि फैसोलिया से बचाव के लिए की जा सकती हैं तो पिछले क्लास में हम लोगों ने लाइफ साइकिल किया था वो क्लास भी आप कर लीजिए एंड आज हमने देखा पैथोजेनेसिस और सिम्टम्स इस बीमारी की क्या क्या सिम्टम्स हैं मोस्टली ये लीवर को डैमेज करता है जिससे बहुत सारी सिम्टम्स आते हैं नीमिया वगैरह फिर हमने इसका ट्रीटमेंट देखा क्या क्या दवाइयाँ ली जा सकती हैं और लास्ट में हमने इसका कंट्रोल देखा प्रिवेंशन की किस तरह से हम इस बीमारी से बचाव कर सकते हैं तो हमने देखा कि स्नेल्स को अगर ख़त्म कर दिया जाए तो काफ़ी हद तक इस बीमारी से हम लोग बच सकते हैं तो फ्रेंड्स यही है आज का टॉपिक अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो कुछ पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा और हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा थैंक यू सो मच एवरी